अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज हम जो क्लास 11 है फर्स्ट ईयर, उसकी फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के हम शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे लास्ट लेक्चर में बाकी रह गए थे, आज वो कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इसके जो फर्स्ट 7 क्वेश्चन थे 3.1 से 3.7 तक, वो हमने किए थे, तो आज हम 3.8 करेंगे। इसमें यह है कि फाइंड द चेंज इन द मोमेंटम फॉर एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू ए गिवन फोर्स फॉर ए गिवन टाइम एंड स्टेट लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। इसमें हमने सबसे पहले जो है वो चेंज इन द मोमेंटम को बताना है क्या होता है। हम सपोज कर रहे हैं कि एक बॉडी है, उसकी मास जो है वो m है और वो उसकी जो वेलोसिटी है वी आई, उसके साथ वो मूव कर रही है और उसके ऊपर एक फोर्स f जो है वो एक्ट कर रही है और फोर्स f जो है उसकी वेलोसिटी को चेंज करती है फ्रॉम वी आई टू वी एफ। देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यहाँ से हम ए का एक्सप्रेशन जो है वो निकालते हैं तो ये वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी आ जाता है। तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप ए का एक्सप्रेशन जो है ऊपर से पुट करेंगे, ए की जगह पे वी एफ माइनस वी आई ओवर टी पुट करेंगे और एम को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी, ठीक है। इसके अंदर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एम वी जो होता है वो मोमेंटम होता है, तो एम वी एफ जो होगा वो फाइनल मोमेंटम होगा, एम वी आई जो है वो इनिशियल मोमेंटम है और टी जो है वो टाइम है। तो फोर्स जो है वो इक्वल है चेंज इन द मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये चेंज इन द मोमेंटम हो गया और टी जो है वो टाइम है। तो ये इस तरह बन जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम, यानी हम जब रेट की बात करते हैं इसका मतलब है कोई चीज़ जो है वो टाइम पे डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे चेंज इन द मोमेंटम जो है वो टाइम पे डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम, ठीक है। और ये इक्वल टू फोर्स है, तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हम इसको इस तरह डिफाइन करेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ जो है उसको हम इस तरह वर्ड्स में लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.9 के, डिफाइन करना है हमने इंपल्स को एंड शो दैट हाउ इट इज रिलेटेड टू द लीनियर मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो ऊपर फार्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, उसी को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे दोबारा से। इंपल्स जो है एक्चुअली ये, इसको हम वर्ड्स में कैसे डिफाइन करते हैं, ये बहुत लार्ज फोर्स होती है और किसी बॉडी पे एक्ट करती है फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। जैसे आप कहीं खड़े हुए हों और अचानक से कोई आपको बहुत ज़ोर से धक्का दे दे तो वो इंपल्स होगी, ठीक है। वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड इंपल्स, या इसको हम मैथमेटिकली इस तरह भी कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इंपल्स, ठीक है। और इंपल्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, आई आई से शो करते हैं इसको, आई इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई टाइम और फोर्स मल्टीप्लाई डेल्टा टी, ठीक है। तो फोर्स मल्टीप्लाई डेल्टा टी क्या होगा, हमने पीछे फोर्स का फार्मूला पढ़ा है एम वी एफ माइनस एम वी आई यानी चेंज इन द मोमेंटम डिवाइडेड बाई टी। तो हम टी को राइट साइड पर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एफ मल्टीप्लाई टी या एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी ये इम्पल्स हो जाएगा। तो इम्पल्स इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई यानी चेंज इन द मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम पी से शो करते हैं, तो चेंज इन द मोमेंटम को हम डेल्टा पी से शो करेंगे। ये जो सिंबल बना हुआ है आपको नज़र आ रहा है ट्राइंगल सी, ये क्या है डेल्टा पी, सॉरी। तो इसमें हम इसको इम्पल्स को हम चेंज इन द मोमेंटम भी कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.10, इसमें क्या है कि स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पॉइंटिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम, एक्सप्लेन व्हाई अंडर सर्टेन कंडीशंस द लॉ इज यूजफुल इवन थ्रू द सिस्टम इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड। तो इसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को पहले एक्सप्लेन करना है, इसको स्टेट करना है, इसकी स्टेटमेंट क्या है। दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कॉन्स्टेंट। कोई भी हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम हो उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, दैट इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो हम देखते हैं, ये लॉ जो है वो सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम के लिए होल्ड करता है। इसको हम डिफाइन करेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो ऐसा सिस्टम होता है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट ना कर रही हो। इफ़ सिस्टम इज़ नॉट आइसोलेटेड, अगर सिस्टम ऐसा है कि आइसोलेटेड नहीं है कम्प्लीटली लेकिन उसके ऊपर जो फोर्सेज एक्सटर्नल एक्ट कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं एज़ कम्पेयर टू द इंटरनल फोर्सेज, उस केस में भी हम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन हो गई।
तो हम ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि हम इस लॉ को जस्ट ओनली फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपने इसकी स्टेटमेंट बतानी है और जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो बतानी है, ठीक है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.11, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलियन, एक्सप्लेन हाउ वुड ए बाउंसिंग बॉल बिहेव इन ईच केस, गिव प्लॉजिबल रीजन फॉर द फैक्ट दैट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन मोस्ट केसेस। तो ये हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में, इस चैप्टर के अंदर जो हमने टॉपिक पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उनमें ये हमने डिफरेंस को अच्छी तरह हमने स्टडी किया था कि इलास्टिक कोलियन में और इन इलास्टिक कोलियन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो हमने इसको जस्ट डिफाइन करना है, ठीक है। और इसको हम डिफाइन करेंगे कि इलास्टिक कोलियन जो है वो क्या होती है। दिस कोलियन इन विच काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलियन। वैसे इसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, ठीक है, लेकिन अगर हम आप इलास्टिक जो है कोलियन में काइनेटिक एनर्जी को भी जस्ट मेंशन कर देंगे तो वो भी काफ़ी रहेगा। और जो इन इलास्टिक कोलियन है उसमें दिस कोलियन इन विच काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलियन। और जो उन्होंने क्वेश्चन में केस कहा है बाउंसिंग बॉल वाला, तो इफ़ द आइडियल बाउंसिंग बॉल जो है रिटर्न्स टू द सेम हाइट, अगर हम बाउंसिंग बॉल को जो कि हार्ड बॉल होती है, सख्त बॉल होती है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि सात रबड़ी गेंद, ठीक है, तो उसको हम जब बहुत ज़्यादा हाइट से फेंकते हैं तो अगर वो उसी हाइट तक वापस आई है तो इसका मतलब है इसमें एनर्जी जो है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं हुई। तो इस टाइप की जो कोलियन होगी वो इलास्टिक कोलियन होगी। और अगर बाउंसिंग बॉल जो है वो उसी हाइट तक वापस नहीं आती, बहुत कम जो है वो ऊपर आती है, तो इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो वेस्ट हो गई है। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती, कॉन्स्टेंट नहीं रहती, तो ये इन इलास्टिक कोलियन का केस होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हैवी बॉल है, उसको हम अर्थ की सरफेस पे फॉल करवाते हैं तो ये रिबाउंड करती है बहुत कम हाइट तक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हैवी बॉल का की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो फ्रिक्शन की वजह से अर्थ के साथ जब वो टकराएगी तो फ्रिक्शन की वजह से, और जो एयर की फ्रिक्शन है वो उस पर एक्ट करती है, उसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वो लॉस हो जाती है और वो उतनी हाइट तक जो है वो वापस नहीं आती। और जो काइनेटिक एनर्जी है, चूँकि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वेस्ट होकर ये कहाँ जाएगी, वो उस बॉल की साउंड में और बॉल के अंदर थोड़ी सी हीट पैदा होगी, तो जो काइनेटिक एनर्जी थी उस बॉल की हीट में और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि बहुत से केसेस में इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है, वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में या साउंड में या किसी और फॉर्म में, तो वो कंजर्व नहीं रहती। तो इसका मतलब है कि इसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहते इस टाइप की कोलियंस में। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ इलास्टिक कोलियन में कंजर्व रहती है, जो इन इलास्टिक कोलियंस होती हैं उसमें वो कंजर्व नहीं रहती, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.12, इसमें क्या है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, एंड शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। स्टूडेंट्स एक तो इसमें आपने बताना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल के साथ हम एयर के अंदर फेंकते हैं तो वो एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ बन रहा हो, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसकी जो मोशन होती है वो टू डायमेंशनल मोशन होती है, वो एट द सेम टाइम आगे भी जा रहा होता है ड्यू टू इनर्शिया और वो नीचे भी आ रहा होता है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो उसका पाथ जो है वो एक कर्व्ड पाथ बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। इसकी जो मोशन होती है वो उसे जिस पाथ से वो गुजर रहा होता है प्रोजेक्टाइल, उस पाथ को हम कहते हैं कि ट्रैजेक्टरी है वो, ठीक है। उसकी जो मोशन है वो पैराबोलिक फॉर्म में होती है, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम नज़र आ रही है, या इस तरह डायग्राम होगी या जो नीचे एक और डायग्राम है आप देखेंगे इसमें जाके इस टाइप की डायग्राम होगी, तो ये पैराबोला जो है पैराबोलिक डायग्राम जो है उसकी होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो हम इसको फेंकेंगे तो ये इसकी जो मोशन होगी वो टू डायमेंशनल मोशन होती है अंडर द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसकी मोशन की डेफिनेशन हो गई। और इसकी जो पाथ है कर्व्ड पाथ है इसको हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी। जैसे एग्जांपल है इसे मोशन ऑफ फुटबॉल किक्ड बाय एक प्लेयर जो है किसी फुटबॉल को किक कर रहे हैं, या किसी क्रिकेटर ने एक बॉल जो है फेंकी है, या एक मिसाइल जो है फायर किया गया है एक लॉन्चिंग पैड के ऊपर से, जहाँ से मिसाइल को फायर करते हैं वहाँ से एक मिसाइल को फेंका गया है, तो उसकी मोशन भी जो है एज ए प्रोजेक्टाइल मोशन वो आगे मूव करेगी, ठीक है। तो हमने एक बॉडी कंसीडर की है, इसमें इसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहे हैं जिस तरह आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा है,
तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इनिशियल वो वी एक्स होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही, वर्टिकल डायरेक्शन में तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, जो स्टार्ट में हमने इसको वेलोसिटी दी है एंड तक वही वेलोसिटी रहेगी, इसलिए इसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और जो फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो दोनों सेम रहेंगी, वी आई एक्स और वी एफ एक्स जो है इस केस में वो सेम रहेगा, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है इनिशियली वो जीरो है क्योंकि हमने इसको हॉरिजॉन्टली फेंका है, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी वी एफ वाई वो जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो हमने इसकी जो रेंज है वो हम फाइंड करेंगे, तो वो एस इक्वल टू वी टी वाले फार्मूले से एक्स इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, ठीक है, ये हो गया, और टी जो है वो टाइम टेकन बाय द बॉडी टू मूव फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट सी, जो सी जो है वो ग्राउंड से टच कर रहा है बॉडी जो है, और ए इसका इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ए से लेकर सी तक जो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है उसको हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं एक्स इक्वल टू वी एक्स टी, ठीक है। उसके बाद बॉडी जो है वो जस्ट आगे नहीं जा रही बल्कि वो नीचे भी आ रही है, इसका मतलब है कि उसने वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया है, तो वर्टिकल डिस्टेंस को हम वाई से शो करेंगे, तो इसको हम फाइंड करते हैं इस जो सेकेंड क्वेश्चन मोशन है एस को हम एस लिखेंगे या इसको हम एस की जगह पे वाई लिख देंगे, तो विल बी इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर, ठीक है। वी आई की जगह हमने वी आई वाई रखा और ए की जगह पे हम जी लिखेंगे, क्योंकि वी आई वाई जो है इनिशियली जो है वाई एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है, इनिशियली जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो वी आई वाई की जगह पे हम जीरो पुट करेंगे, तो ये आएगा वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास वाई इज इक्वल टू वन बाई टू जी टी स्क्वायर, ये हमारी वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था वो हमने ऊपर फाइंड किया एक्स इक्वल टू वी एक्स टी, ठीक है। अब हम जो इसका टाइम फाइंड करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने इसकी मोशन जो है वो इस टाइप की कंसिडर करनी है, क्योंकि इस टाइप की मोशन में टाइम जो है वो फुल टाइम हम फाइंड कर सकते हैं, इसको हमने स्टार से किसी एंगल के साथ फेंका है, तो इसकी जो मोशन है इनिशियली वो वी आई एक्स भी है और उसका कंपोनेंट जो है वो वी आई वाई भी होगा, तो यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वही फार्मूला यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू वी आई टी प्लस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि चूंकि बॉडी जो है वो ऊपर गई है उसके बाद नीचे आ गई है, तो वर्टिकल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो हम जीरो लेंगे इसमें, तो एस की जगह पे हम जीरो लिखेंगे और वी आई की जगह पे वी आई साइन थीटा, वी आई क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है तो वी आई वाई लेंगे हम, ठीक है। तो वी आई वाई की जगह पे हम लिखेंगे वी आई साइन थीटा और ए की जगह पे हम लिखेंगे माइनस जी, तो ये आएगा माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो वी आई साइन थीटा को हम एक साइड पे रखेंगे और वन बाई टू जी टी स्क्वायर को हम एक अपोजिट साइड पे लेके जाएंगे, तो यहाँ से हम जो है टाइम जो है दोनों साइड पे कैंसिल हो गया, तो वन बाई टू जी टी इक्वल टू वी आई साइन थीटा, तो यहाँ से अगर हम टाइम का एक्सप्रेशन निकालते हैं तो ये आएगा टू वी आई साइन थीटा ओवर जी, ठीक है। तो ये जो है ना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, यानी कि टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट से लेकर टाइम टू रीच द ग्राउंड, यानी दोनों टाइप के ऊपर जाते हुए भी और नीचे आते हुए भी दोनों टाइप की मोशन का टोटल टाइम जो है वो ये है। इसमें टू का फैक्टर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि बॉडी जो है वो एक दफ़ा ऊपर जा रही है एक दफ़ा नीचे आ रही है, लेकिन अगर हम इसका टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट फाइंड करते हैं तो फिर हम इसका हाफ लेंगे, तो फिर वो टू का फैक्टर जो है वो नहीं आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद हमने जो रेंज इसकी फाइंड करनी है, तो इस केस में मैक्सिमम डिस्टेंस जो है व्हिच ए प्रोजेक्टाइल कवर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसका आल द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसको हम आर से शो करते हैं, तो वही फार्मूला लगाएंगे एस इक्वल टू वी टी वाला, तो आर इक्वल टू वी आई एक्स मल्टीप्लाई टी, तो वी आई एक्स जो है उसकी जगह पे हम वी आई कॉस थीटा लिखेंगे और टाइम जो है उसका हमने एक्सप्रेशन ऊपर फाइंड किया टू वी आई साइन थीटा ओवर जी हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो वी आई स्क्वायर बन जाएगा और कॉस थीटा और साइन थीटा टू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये मैथ्स के फार्मूला के अकॉर्डिंग टू साइन थीटा कॉस थीटा विल बी इक्वल टू साइन टू थीटा, तो हमारा रेंज का जो फार्मूला है वो आएगा वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन टू थीटा, तो ये हमारे पास रेंज का फार्मूला आ गया। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देखें कि मैक्सिमम रेंज जो है वो कब होगी, जब साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी यानी वन होगी, तो साइन के किस एंगल पर इसकी वैल्यू वन होती है, 45 के एंगल पर, सॉरी 90 के एंगल पर, ठीक है। तो साइन 90 जो है वो वन होता है, यहाँ पे अगर हम टू थीटा को 90 पुट करेंगे, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू जो है 45 है, इसका मतलब है कि अगर जो है बॉडी की जो एंगल है वो 45 का होगा तो हमारी रेंज जो है उस केस में मैक्सिमम आएगी, ठीक है। तो क्योंकि हम इसको 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन 90 बन जाएगा और साइन 90 जो है 1 है, तो मैक्सिमम रेंज की जो वैल्यू है वी आई स्क्वायर बाई जी आ रही है, तो 45 से अगर कम एंगल होगा या इससे ज़्यादा एंगल होगा तो फिर हमारी रेंज जो है वो मैक्सिमम रेंज से कम होगी, ठीक है।
उसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.13, एट व्हाट पॉइंट आर पॉइंट्स इन इट्स पाथ डज द प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड और इट्स मैक्सिमम स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, जो जो भी हम कोई बॉडी या कोई प्रोजेक्टाइल जो है वो ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जा रहा होता है तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है वहाँ पर जाकर जो उसकी स्पीड है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ रिजेक्शन होता है जहाँ से हम फेंकते हैं उसको नीचे से, वहाँ पर उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी और जब वो ग्राउंड को हिट करेगा उससे जस्ट पहले उसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम होगी, लेकिन जो मैक्सिमम हाइट पर जाके उसकी स्पीड जो है वो मिनिमम होती है। तो उसको हम लिखेंगे कि स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ रिजेक्शन एंड ऑल्सो एट द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, व्हाइल द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम व्हेन इट रीच द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपको ये एमसीक्यू टाइप है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 आंसर्स, वन ऑफ विच इज करेक्ट आंसर। तो इसमें हमने देखना है कौन सा आंसर जो है करेक्ट आ रहा है। व्हाट इज मेंट बाय अ बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी, स्ट्रेस बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी है इसमें वो अनपावर्ड और अनगाइडेड जो है प्रोजेक्टाइल, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी सही होगी, बाकी जो है वो हमारी सही स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन टू बॉडी सिस्टम अंडरगोज इलास्टिक कोलिजन, तो उस केस में मोमेंटम जो है चेंज होता है, मोमेंटम चेंज नहीं होता, या बॉडी कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, या एनर्जी कंजर्वेशन इज लॉ इज वायलेटेड। तो उसमें फर्स्ट जो आंसर है, सेकंड जो आंसर है इसमें, तो मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होता, तो ये इसका आंसर जो है वो सही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसके सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो देख लिए हैं। तो लास्ट लेक्चर जो है उसका भी लिंक जो है मैं नीचे इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें दे दूंगी, ताकि आप जो इससे पहले वाले क्वेश्चन हैं वो भी अच्छी तरह आप उनको समझ लें, क्लियर कर लें। तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरह आप समझें, इनको तैयार करें, इनको लर्न करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो जो स्टूडेंट्स अपने इस चैनल पर नए आए हैं वो इसको लाजमी जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो आए तो फ़ौरन से आपको मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।